हेलो एवरीवन, वेलकम टू अदर व्लॉग। दिस इज मी किंजा ज़ीशा। तो आज के इस व्लॉग में ये बहुत ही स्पेशल लोग हैं, वो कहा है कि हम आज अभी जाने लगे, मैं मार्केट जाने लगी हूँ, मैं मार्केट से कुछ चीजें लेकर आऊंगी। तो मैंने बास्केट रेडी करनी है, एक बहुत अच्छा आइडिया है मेरे पास। जी जी, ओके, मैं आपको दूंगी, आपके लिए भी कुछ चीजें लेकर आऊंगी। तो वहाँ से मैं कुछ चीजें लेकर आऊंगी और मैंने कुछ आइडिया सोचा है कि मैंने ज़ीशान को देना है सरप्राइज। वो सरप्राइज क्या है वो आपको वीडियो के आगे जाके पता चलेगा कि मैं उनके लिए क्या बास्केट रेडी कर रही हूँ। मैंने सोचा है कि मैं एक छोटी सी कोई बास्केट रेडी करती हूँ जिसमें कोई उनकी फेवरेट चीजें जो होंगी ना वो लेकर आऊंगी और वो उसमें डालूंगी। हाँ जी मम्मी, और अब्दुल्ला और मैं। हाँ हम बर्थडे केक भी लेकर आएंगे। भी अब्दुल्ला कह रहा है मैं बाबा का बर्थडे केक लेकर आऊंगा और बाबा खुश हो जाएंगे। तो देखिए मैं क्या चीजें लेकर आती हूँ और मैंने कुछ माइंड में सोची हुई चीजें, कुछ मैंने नेट से आइडिया सर्च किए कि मैं क्या कह रही हूँ। तो हाँ, चॉकलेट वाली बॉल नहीं है उसमें, ओके ठीक है। तो मैं कुछ चीजें लेकर आऊंगी और फिर मैं आपके साथ आगे वीडियो शेयर करती हूँ। कुछ चीजें मैं देख रही हूँ, दिखाई ना तो उनको नहीं पता, ये हम लोग अभी मार्केट गए थे चीज़ों से लेकर आए हैं। तो ये मैं बास्केट तैयार करने लगी हूँ और उनको ये सरप्राइज देंगे। तो ये मैं क्या लिख रही हूँ, मैं कुछ उनके फेवरेट स्नैक्स लिख रही हूँ। ये चिप्स हैं, लेज है, लेज ये पेपरिका पेपर है, कोक है, सेवन है, ये ब्लू बोल्ट उनकी फेवरेट ड्रिंक है, ये बॉडी स्प्रे है, चाहिए कुछ छोटी छोटी सी डेयरी मिल्क है, किट कैट है, जुबली है, इडली स्नैक है, ये M&M's हैं, स्निकर्स हैं, और ये क्या, ये डोनट है, और ये कुछ चॉकलेट्स हैं, और ये सारे टेडी बियर है। तो सबसे पहले मैं इसको रखती हूँ टेडी बियर को इस बास्केट के अंदर। पहले ऐसा करते हैं, ये पिंक वाले कपड़े को ना साइड पे कर देते हैं, बैठ जो है बैठ के बाद। चलो मैं इसके बीच में क्या डालती हूँ, ये टेडी बियर रखते हैं बीच में, दरमियान में रखो ये ऐसे करके। पहले चीज़ें ना डालूँ, अगर देखूँगी अगर इसकी जगह हुई तो फिर वरना नहीं डाल। नहीं नहीं, बंजे की जगह चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगी। इस तरफ मुका रही हो, उस तरफ मुकरो ना। किसका टेडी बियर? दरमियान में रख, और तो ये उस तरफ से इस तरफ में टर्न किए हुए चिप्स को। यहाँ से बास्केट होगी ना, यूँ करके बास्केट होगी ये, यहाँ से तो मुंह तो उधर करना। फिर क्या मतलब टेडी बियर का फेस इस तरफ का? यूँ कह रही हूँ। हाँ ऐसे बस, ये हो गया, अब ये आ गया, यहाँ से ये आ गया। ये पूरी आ जाएंगी? आ जाएंगी आ जाएंगी, यहाँ से और इस तरफ ये आ गई। आपने भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आपने ये बास्केट किस तरह की बनाई और किस स्टाइल से बनाई। पता नहीं हम तो इतना चीज़ें रखी जा रहे हैं, आई थिंक इतना ठीक। वैसे मुझे लग रहा है तुम सही नहीं लग रही, सीधी सीधी चीज़ें रखो ना, टेडी बियर तो नज़र ही नहीं आ रहा। मैं कह रही हूँ निकाल देती हूँ, निकाल देगी तो फिर उसका कोई फायदा ही नहीं रहेगा। हाँ बस अब ठीक है ठीक है ठीक है, ये ऊपर ही आ गया। नहीं इनको बस ठहर, इधर कुछ इधर डाल देती हूँ, कुछ इधर डाल देती हूँ, मिक्स करके एक ही जगह में ना डालना, मिक्स करके मैं पीछे भी रख देती हूँ। स्नीकर इधर रख लो। हाँ जो बड़ी बड़ी हैं वो आगे रख देती हूँ। अब ये देखती हूँ बीच में करके इतना करके रख देती हैं। स्नीकर्स कहाँ गई? ये स्नीकर्स रखते हैं यहाँ। मैं ये चीज़ें रखती और लाया था, ये चीज़ें सही नहीं रखी, अब इसको मैं सेट करके देती हूँ। तो मैं कैसे सेट करके देती हूँ, देखिए ऐसा हो चाहिए। मैंने बिल्कुल ठीक चुकी है, किट कैट नीचे चुकी है, हाँ किट कैट का पास चॉकलेट है, ये भी एक है, ये भी एक है, ये भी एक है। चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई। हाँ मैं तो कहीं टेडी बियर निकाल देती हूँ। नीचे ही चॉकलेट सी अभी रख देते हैं। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, नजर नहीं आ रही इसमें। हाँ ये सही बना रही है।
और अभी इसके बीच में चीज़ें नया सेट कर रही है, क्योंकि जो मैंने पहले रखी थी वो मैंने सही नहीं रखी थी। अच्छा ये कहाँ रख रही हो? हाँ अरे ये स्निकर्स कहाँ रखोगी? ये यहाँ रख दो ऊपर, स्माइली को ऊपर रख। वो कहाँ है? किट कैट कहाँ है? किट कैट ये रही, इसको नीचे कर दो ना। हाँ ये इसको भी ऊपर रखो ऐसे, थोड़ी बाहर करके ना मेरी नज़र भी तो आए कि चीज़ें क्या पड़ी हैं। जुबली जुबली भी यहाँ डाल दो, वो डोनट गिर गया। अच्छा चलो तुम खुद देखो पीछे भी, यहाँ पे भी कोई चीज़ आ सकती है, यहाँ पे भी स्पेस है थोड़ी सी। दिखाओ इसके बीच में ऐसे, हाँ इसके टेडी बियर के ऐसे ऊपर रख दो ऐसे करके। अब जुबली यहाँ पे आ जाएगी? नहीं ऊपर रखना, नीचे ये नीचे डाल, ये इधर डाल देते हैं कुछ, कुछ इधर डाल देते हैं, ये इधर, ये इधर ऊपर रख देती हूँ थोड़ी सी। हाँ अब सही बनाया ना तुमने, वो पहले ऐसे लग रहा था कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, ऐसे लिटा ले जाती थी रख दी थी यहाँ से पीछे से थोड़ी सी स्पेस, ठीक है ना। हाँ ये देखो ये अब हमारी बास्केट बन गई, इसको अब हम कवर करते हैं। इसकी मैं अनबॉक्सिंग की वीडियो बनाऊँगी ना, तो ये मैंने जीशान के लिए सरप्राइज़ बनाया है, उनको नहीं पता वो बाहर बैठे हुए हैं, इसलिए मैं बहुत ऐसा आवाज़ में बोल रही हूँ। ये चीज़ें ये देख सकते हैं बास्केट रेडी हो चुकी है, मुझे बहुत प्यारी लग रही है नया, बहुत फिट बनी है। ये देख सकते हैं ये हम हमने बास्केट रेडी कर दिया है, ये मैंने जीशान के लिए सरप्राइज़ रेडी किया है, को अनबॉक्सिंग करेंगे तो उसकी वीडियो में आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और ऐसा वजह से बोल रही मुझे बाहर आवाज़ आ रही होगी, वो बाहर बैठे हैं। तो ये रही वीडियो, मैं इसको दिखाती हूँ, ये रही आज की वीडियो जिसमें मैंने जीशान के लिए। तो ये देखें ये बास्केट हमने रेडी कर दिया है, और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैंने जीशान के लिए सरप्राइज़ रेडी किया, उनको इस चीज़ का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि मैंने उनके लिए बास्केट बनाई है। और ये देखें चोरों को मोर पड़ गई, ये बच्चा पीछे पड़ गया किसी अब्दुल्ला ने, ये भी इसमें से चीज़ें नहीं निकल गया। अब्दुल्ला इतनी अच्छी सेटिंग की थी, आपने सेटिंग खराब कर दिया है, जरा इसकी सेटिंग दोबारा से कर देना। ये देखो जरा इससे चीज़ें चॉकलेट्स कुछ बीच में चली गई है, ये देखो इधर। अच्छा मैं देती हूँ आपको, वेट करो इसको चाहिए इसने कोल्ड ड्रिंक। सो ये रही मेरी आज की वीडियो, मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ, इससे पहले कि अब्दुल्ला यहाँ पे शोर शुरू कर दे और मैं वीडियो शूट ना कर सकूँ। सो ये रही मेरी आज की वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। देखिए ये बच्चा इधर घुस गया, कह रहा है मुझे इसमें से चीज़ें दो, मैं इसे छुप के बनाती हूँ, ये ट्यूशन से आ गया। चलो खैर, सो ये रही मेरी आज की वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप पसंद आई है तो वीडियो को थम्स अप जरूर देना है, आपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आपने कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना है कि आपने अपने स्पेशल वंस के लिए कैसे इसके लिए सरप्राइज़ रेडी किया। तो मेरा ये रहा सरप्राइज़, एक और सरप्राइज़ भी है, वो वीडियो मैं कल शूट करूँगी, और वो क्या है वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी।